subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the sixth question. And the question is, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Figure mein aap dekh sakte hain. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के अंदर जो है 8 रिब्स बनाए गए हैं लगातार, और ये 8 रिब्स जो हैं उसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स के अंदर, और एक रिब कितने के बराबर है, एक रिब की लेंथ जो है 45 सेंटीमीटर की है और ये एक सर्कुलर शेप में है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया है, सी दिस, यहाँ पर 8 रिब्स हैं और हर एक रिब कितना है 45 सेंटीमीटर का है। अब ये 8 रिब मिलके स्टूडेंट कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि 1 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, 8 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं ये मिलकर। तो अब आप देख सकते हैं नाउ 8 रिब्स डिवाइड कंप्लीट सर्कुलर अम्ब्रेला इनटू कितने पार्ट में, 8 पार्ट में यहां पे करेंगे, दिस इज 8 पार्ट्स में यहां पे करेंगे। सी अब 8 पार्ट्स में जब यहां पे ये करते हैं तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहां पे, नाउ एंगल बिटवीन टू रिब्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब 8 पार्ट में करते हैं तो 360 बाय 8 जो कि 45 डिग्री आएगा। नाउ एरिया बिटवीन, अब ये क्या है आपका, एक जो आप पार्ट देख सकते हैं ये आ जाएगा 2, या एंगल कितना है 45 डिग्री और रेडियस कितना है, रेडियस 45 सेंटीमीटर का है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी 45 बाय 360 इंटू पाई, आर यहां पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, एंड देन फर्दर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 45 अपॉन में 360 इनटू में 22 बाय 7 इनटू में 45 इनटू में 45, एंड फर्दर ये जो कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड फर्दर यहां कितना आ जाएगा, ये टोटल कैलकुलेशन 2275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आएगी जो कि एरिया ऑफ द बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स का है जो आपको निकालना होगा।